अजमेर के मसूदा में दर्दनाक हादसा हुआ। कार और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि बांदरवाड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। अजमेर के किशनगढ़ में यहाँ पर साइंजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। पावर लूम एरिया में अफरा तफरी मच गई और सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध तोलियासर भैरोजी मंदिर में आग लग गई और नारियल फटने की आवाज पर यहाँ पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। कोटा जिले के चेचट कस्बे में कोटा स्टोन से लदे एक बेकाबू ट्रक ने भेड़ों के झुंड को यहां पर कुचल दिया है और ट्रक की चपेट में आने की वजह से 10 भेड़ों में से 5 की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई है। जयपुर की विराटनगर थाना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इलाके में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। छितौली के जादू का पास गांव में 5 भैंसे चोरी की गई है और भैंस ले जाते वक्त एक भैंस की मौत हो गई है, तो वहीं एक भैंस चोरों के चंगुल से भाग गई। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। बारा के शाहबाद थाना इलाके में वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए शाहबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौर जिले के डीडवाना में पिकअप गाड़ी और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जबकि एक की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से यहां पर घायल हुआ है। नेशनल हाईवे 458 पर यह हादसा हुआ। बौली में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर राहगीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में राहगीर की मौत हो गई है। उधर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में कामधेनु सेना और निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कांकरा बालाजी के पास स्थित चारागाह भूमि से अवैध कब्जों को तुरंत हटाने की मांग की है। बाड़मेर के बालोतरा मुख्यालय पर बजरी की यहां पर बढ़ी दरों और दूसरी मांगों को लेकर चल रहे आरएलपी की भूख हड़ताल खत्म हो गई। प्रशासन की 3 दौर की वार्ता और समझाइश के बाद अनशन को खत्म किया गया है। पाली में किसान संघर्ष समिति ने पेयजल व्यवस्था के स्थायी सभाधार और हेमावास बांध पुनर्भरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बूंदी जिले के अमृतिया गांव के किसानों ने विद्युत निगम कार्यालय के मुख्य गेट के सामने ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया और निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करके तालाबंदी की है और बिना रीडिंग देखे अधिक बिल थमाने का आरोप लगाया गया है। अलवर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पूरा शहर कोहरे के चादर से लिपटा हुआ नजर आया, सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आए। झुंझुनू जिले में बीती रात सर्दी का सबसे ठंडा रात यहां पर सबसे ठंडी रात बताई जा रही है और पिलानी मौसम केंद्र के मुताबिक बीती रात का न्यूनतम तापमान जो है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं लगातार तीसरे दिन भी झुंझुनू जिले की में सुबह कोहरा छाया रहा। जालौर के धवला गांव में माताजी मंदिर प्रांगण में श्री क्षत्रिय युवक संघ का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया और भोगरा गैस त्रासदी श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसे मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संभाग प्रमुख अर्जुन सिंह दिलदरी ने किया। टोंक शहर और उसके 20 किलोमीटर के दायरे में अब मरीजों को घर बैठे निःशुल्क प्राथमिक इलाज मिलेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने जिला अस्पताल में 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की है। बाइक एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल करना पड़ेगा। वहीं बारा जिले के किशनगंज में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। किशनगंज बस स्टैंड पर ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण और दुकानों के सामने लगे टीन शेड को बुलडोजर लगाकर हटाया। बारा के छबड़ा उप कारागृह का अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रीति नायक ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान एडीजे ने हर कैदी से कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बातचीत की। राजसमंद में रेलमंगरा में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। बैठुम्बी गांव में अंबाबाता मंदिर के पास पैंथर दिखा, कुत्ते का शिकार करता नजर आया पैंथर और पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। उधर रायला पीएससी में राज्य स्तर की टीम ने निरीक्षण किया है और रायला और बेरा गांव में राज्य स्तर की टीम द्वारा कुष्ठ रोग खोजी अभियान का निरीक्षण किया गया है।
शाहपुरा कस्बे के रामशाला भवन में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से 10 दिवसीय क्षार शल्य चिकित्सा शिविर का यहां पर आयोजन किया गया है और खंड अधिकारी सुनीता यादव, आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर विनायक शर्मा और उपनिदेशक डॉक्टर जलदीप पाठक ने निरीक्षण किया है। बालोतरा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार के बालोतरा जिला अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचे और एडीएम ने यहां पर पहले अकेले पूरे अस्पताल का चक्कर लगाया और बारीकी से व्यवस्थाओं को देखा। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा कस्बे में लगातार बिजली की कटौती से परेशान किसानों ने जीएसएस पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। बिजली विभाग का घेराव करके लगातार काटी जा रही बिजली को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय अजमेर पहुंचे और उन्होंने 4 वर्ष पूरे किए जाने को लेकर विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया है। अलवर में राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री बीडी कला और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने वितरण किया है। झुंझुनू में प्रभारी मंत्री ममता भूपेश पहुंची और सर्किट हाउस पहुंचने पर मंत्री का स्वागत हुआ और इसके साथ ही तुलस्याल परिवार की ओर से कंबल बांटे गए। मकराना में नगर परिषद सभापति समरीन भाटी ने यहां पर राहुल को भेंट की है शिव प्रतिमा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मकराना संगमरमर से बनी हुई प्रतिमा भेंट की। तो वहीं कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल से शेयर की गई मूर्ति भेंट की गई तस्वीर। अलवर में भवानी तोप स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर यहां पर माला और फूल अर्पित करके उनकी जयंती मनाई गई है और इस दौरान चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए गए। रायला में राष्ट्रीय गणित दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदरखा बड़ेना में यहां पर प्रतियोगिताएं हुई है और प्रतियोगिताओं में जीतने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। गंगापुर में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर रितेश सुराडा और उपाध्यक्ष पद पर मुर्गा विजय हुए हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।